Welcome back friends, I'm Mukesh sir. Today in this video, we are going to talk how can you create confidence in yourselves. Because confidence is the most important thing to speak English. If you want to speak English fluently, first of all, you have to a lot of confidence. If you have lack of confidence, then you can't speak English fluently. First, so because पहले हम लोग क्या करना है कि सबसे पहले जब हम लोग speaking start करते हैं तो हम लोग को बहुत सारा problem face करना पड़ता है, ठीक है, कि अपने जैसे हम लोग जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पर सारे people से यहाँ की यहाँ तक कि अपने family के जो लोग होते हैं वो भी क्या बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो हम लोग को उससे communicate करने में problem होती है. यदि हम अपने अंदर अपने हार्ट में, ठीक है, अपने मन में डिजायर है स्पीकिंग करने का, इंग्लिश में बात करने का, हाउएवर हम लोग बोल नहीं पाते हैं क्योंकि फैमिली में सारे लोग हिंदी में बात करते हैं. यदि हम लोग इंग्लिश बोलेंगे तो ठीक ना हंसेंगे, और अपने दोस्तों के साथ अगर बातें करेंगे तो वो भी हंसेंगे, या आपके स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पर अभी अगर इंग्लिश में बोलते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं, आपके फ्रेंड्स जो हैं, अपने कलीग जो हैं, आपके मजाक उड़ाएंगे. तो इसके बारे में सोचना नहीं है. यदि पीपल आज के आपके ऊपर हंसते हैं तो आप समझ लीजिएगा इज दैट आप सही पटरी पर हैं और आप सही प्लेटफॉर्म में हैं और आप सही जा रहे हैं. और एक दिन जब आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तो वही लोग आपके प्रशंसा करेंगे कि देखिए ये स्पीक ये इंग्लिश में बात करता है, लाइक दिस दिस दैट. ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि हम लोग, क्योंकि हम लोग जो है छोटे छोटे सिटीज से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इंग्लिश जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है. इफ़ यू इन प्रेजेंट टाइम यदि आप इंग्लिश जानते हैं तो आपका जो वैल्यू है और के लोगों के कंपेयर में आगे रहेंगे. तो इसीलिए हम लोग अपने इंग्लिश को कैसे डेवलप करें, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है. यदि इफ़ यू आर अ टीचर देन यू डोंट हैव एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड एंड टू स्पीक इंग्लिश, बिकॉज वेन एवर यू गो टू टीच यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन टॉक इंग्लिश विथ योर स्टूडेंट्स. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप कर सकते हैं. यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि आप स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश स्कूल में अपने टीचर से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछिए और अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से इंग्लिश में बात कीजिए. हालांकि वो इंग्लिश रॉन्ग ही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. इट डजेंट मैटर कि आप इंग्लिश रॉन्ग बोल रहे हैं, पहले आप अपने अंदर इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए. क्योंकि हम लोग ये सोच के इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हमसे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, हम गलत इंग्लिश बोलने लगेंगे. तो गलत नहीं बोलेंगे तो सीखेंगे कब, तो पहले बोलना है. इंग्लिश तो स्टार्ट तो करिए, इंग्लिश अपने आप आ जाएगी. क्योंकि कितना भी मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताऊँ, जब मैं इंग्लिश, मेरे एक भाई था, ठीक है, जो दिल्ली में पढ़ता था, वेन एवर ही कॉल्ड मी ही ऑलवेज स्पोक इंग्लिश एंड ही ऑलवेज टॉक टू मी इन इंग्लिश, देन आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हीज इंग्लिश. तब उस समय मैं इंग्लिश नहीं समझ पाता था वो क्या बोल रहा है. जब भी वो कॉल करे तो जान बूझ करके वो इंग्लिश में बात करते थे क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था. कुछ कुछ हालांकि समझते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे. जब वो हमसे मिलता था, वेन एवर ही मेट टू मी, देन ही टोल्ड मी, मुकेश यू आर अ टीचर, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू. इफ़ यू नो, इफ़ यू हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न इंग्लिश, आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न इंग्लिश एंड स्पीक इंग्लिश, आफ्टर दैट योर वैल्यू विल बी इंक्रीज डे बाई डे. ओके, दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू स्पीक इंग्लिश. उसके बाद मैं बहुत सारे अलग अलग कोचिंग गया, वहाँ पर एक वन वीक्स टू वीक्स वहाँ पर रहा, ठीक है. तो वहाँ पर क्या होता था कि ट्रांसलेट से यानी ट्रांसलेशन सिखाया जाता है, ना कि वहाँ पर इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश बोलना किस तरह है वो नहीं, वहाँ पर तो ट्रांसलेशन के बेस पे ग्रामर वहाँ पर स्ट्रोंग करवाया जाता था. तो उस तरह से स्पोकन नहीं होता है. और भी मैंने बहुत सारे मार्केट गए, वेन टू मार्केट टू अबाउट सम बुक्स, मैं मार्केट गया, बहुत सारा बुक्स खरीदा और बुक्स को पढ़ा, तो ये सारा जो है यूजलेस लगा हमको. कोई भी मतलब ये सारी चीज़ जो है, कोचिंग हो गया और बुक्स हो गया, सारे चीज़, ठीक है, मेरे कोई किसी का मदद, मतलब हालांकि ऐसा नहीं कि मदद आया, बहुत सारे मतलब उसको पढ़ा तो मैंने वो यूजफुल नहीं था. वो स्पीक इंग्लिश जो है किस तरह से बोले इसके लिए ये, ठीक है, वो ठीक नहीं था, मतलब वो प्लेटफॉर्म, वो रास्ता ही रॉन्ग था. क्योंकि इंग्लिश कैसे आता है, इंग्लिश आता है कि प्रैक्टिस से. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश. जैसे कि आप अपने मॉर्निंग में जगते हैं तो अपने पेरेंट्स को नहीं कहते होंगे गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग ब्रदर. तो इस तरह से अपने अंदर उस तरह का इंग्लिश का हैबिट डालिए. जब भी आप टीचर से मिले, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, जब आप रात में इस तरह का वर्ड आप बोलिए, या अगर अलविदा ले रहे हैं तो हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू अगेन, सी यू सून, टॉक टू यू लेटर, नो प्रॉब्लम, जब कोई हेल्प, मतलब छोटे छोटे इंग्लिश जो है फ्रेजेज हैं उनका यूज करेंगे. जब आप लोग इनका यूज करना शुरू कर देंगे, जब मतलब धीरे धीरे आपको क्या होगा, इंग्लिश से इंटरेस्ट जागने लगेगा. इंटरेस्ट जब जैसे होने लगेगा,
आप लोगों को हिंदी से अच्छा इंग्लिश में बोलना, जब भी कोई मिस्टेक हो जाएगा तो आपका मुंह में तुरंत ऑटोमेटिक सॉरी निकल जाएगा या कोई अदर वर्ड्स निकल जाएगा। ये कब होगा? ये प्रैक्टिस से होगा। यदि आप एक टीचर है तो अपने आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपने स्टूडेंट के साथ जाइए वहाँ पर बोलिए, हालांकि आप रॉन्ग इंग्लिश बोलिए इससे कोई इट डजेंट मैटर, लेकिन आप बोलिए। और डे बाय डे जब आप रॉन्ग इंग्लिश बोलेंगे तो आपको लगेगा नहीं इसको करेक्ट करने की जरूरी है, तो उस करेक्शन के लिए आपको क्या होगा, तब धीरे धीरे पढ़ना होगा करेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए। पहले आप रॉन्ग इंग्लिश बोलिए, आफ्टर दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बिकॉज आई हैड टू फेस अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम टू स्पीक इंग्लिश। हाँ, एवरी वंस द वंस हु वांट्स टू स्पीक इंग्लिश दे हैव टू फेस टू दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। बिकॉज हमारा जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पर आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ नेचर, बिकॉज इन्वायरमेंट है चारों तरफ खुला खुला है, ठीक है, क्योंकि नेचर जो है हम लोगों को बहुत चीज़ सिखाता है, इसीलिए मैं आज यहाँ पर नेचर मतलब नेचर में रह करके आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि पहले स्टार्ट कीजिए स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है, अपने डेली लाइफ में कुछ वर्ड्स को, कुछ फ्रेज को, कुछ सेंटेंस को, उसको डेली लाइफ में यूज कीजिए। आफ्टर दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन वॉक इंग्लिश, यू कैन टॉक इंग्लिश, इवन यू कैन फ्लाई इंग्लिश, यू कैन डू एनी थिंग्स इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, यही आज का मेरा वीडियो था, आई होप आपको ये यूजफुल रहा होगा और आपको ये बहुत पसंद आया होगा। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। यदि आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इंग्लिश में इसमें यूनिक तरीके बताता हूँ, ठीक है, ऐसा तरीके जो हम लोग इंडियन जो हैं किस तरह से उसको फॉलो करेंगे, कैसे इंग्लिश सीख जाएंगे ये बताता हूँ। ट्रांसलेशन के हम जरिए से मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, कि किस तरह से इंग्लिश डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिस से सीखेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस, सो प्लीज़ टेक डाउन माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम, आई विल टॉक टू यू। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।